रंगीला बदरंगपुर गांव में बहुत सालों से रंगीन पानी पूरी का व्यापार कर रहा है। उसकी पानी पूरी दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है, इसलिए लोग उसके पास शौक से खाने के लिए आते हैं। रंगीला भैया, मुझे पानी पूरी दे दो, मैं हर रोज आपकी पानी पूरी खाने के लिए आ रही हूँ, पता नहीं किस दिन मेरा हजमा खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। पानी पूरी बनने में जो भी सामान लगता है वो सारा अच्छी क्वालिटी का है, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए रंगीला की दुकान के सामने भीड़ ना सही, लेकिन हर वक्त उसकी दुकान के पास कोई ना कोई आता ही रहता है। ऐसे रंगीला का व्यापार अच्छे से चलता है, रंगीला का कोई नहीं है, वो एक छोटे से घर में अकेला ही रहता है। रंगीला की दुकान के सामने सड़क के उस पार कुछ दिनों से एक बेचारा छोटा सा लड़का बैठ रहा है। उसे देखकर रंगीला उसके पास जाकर उससे ऐसे बात करता है। कौन हो बेटा तुम? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम ऐसे सड़क के किनारे पर क्यों रह रहे हो? मेरा नाम गोलू है, मेरा कोई नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे सड़क के किनारे पर रहता हूँ। मेरा भी कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे पास काम करके मेरे साथ रह सकते हो, तुम्हें खाना और छत दूंगा। वो बात सुनकर गोलू खुश हो जाता है और रंगीला के साथ चला जाता है। गोलू रंगीला की हर काम में मदद करता है और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसे कुछ साल गुजारते हैं और गोलू बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद गोलू की नियत खराब हो जाती है और वो बहुत गलत बातें सोचने लग जाता है। रंगीला के साथ रहूंगा तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उन्हें सिर्फ जो है उसी में खुश रहना आता है, आगे बढ़ना नहीं आता है। मुझे सारा काम पता है, इसीलिए मुझे खुद का काम शुरू कर लेना चाहिए। ऐसे सोचते हुए गोलू रंगीला के घर से पैसे चुराकर रंगीला को बड़े अच्छे से मैं खुद का व्यापार करना चाहता हूँ कहता है। लेकिन आज नहीं तो कल मेरे जाने के बाद ये व्यापार तुम्हारा ही तो होगा ना बेटा, इतने जल्दी क्यों कर रहे हो? मुझे खूब पैसे कमाकर बड़ा आदमी बनना है, आपके साथ रहूंगा तो जिंदगी भर सिर्फ पानी पूरी ही बेचता रहूंगा। ऐसे कहते हुए गोलू चला जाता है और खुद ही दुकान लगा लेता है, लेकिन एक भी अच्छा वाला सामान इस्तेमाल नहीं करता है, सब घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करके रंगीन पानी पूरी बेचता है, इसलिए उस पानी पूरी का स्वाद भी घटिया होता है। एक बार गोलू की दुकान पर जो आता है वो दोबारा उसकी दुकान पर नहीं आता है और अक्सर लोग उसकी दुकान पर जगड़ने के लिए आते रहते हैं। ये कैसी पानी पूरी बेच रहे हो तुम? जब से तुम्हारी पानी पूरी खाई है तब से मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे कहते हुए लोग गोलू की खूब पिटाई करके उसकी दुकान तोड़ देते हैं। उसके बाद गोलू रोता हुआ जाकर फिर से उसी सड़क पर बैठ जाता है जहाँ पर वो अपने बचपन में हुआ था। रंगीला उसे देखकर पहले की तरह ही उसके पास जाता है। यहीं पर बैठते रहोगे या घर चलोगे? चलो, अंधेरा होने का है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं आपको धोखा दिया है और आपके पैसे चुराया है, फिर भी आप मुझे अपना मान रहे हो। गलतियाँ तो सबसे होती है गोलू बेटा, लेकिन गलती के एहसास हर किसी को नहीं होता है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
ऐसे कहते हुए रंगीला गोलू को लेकर घर जाता है और आगे से दोनों मिलकर अच्छे से रंगीन पानी पूरी का व्यापार करते हैं। ये है रघुराम। रघुराम का मानना है कि जो नियम बनाते हैं, सबसे पहले वही नियम तोड़ते हैं। इसलिए अपने छोटे से गांव में रघुराम खुद ही लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करके नियम बनाता है और पीछे से वही नियम तोड़ता है। ये जो टीवी पर प्लास्टिक के सामान को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें भी अपने गांव में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे रघुराम चार लोगों के सामने कहते ही ये बात सारे गांव में फैल जाती है और सब अच्छी ही बात है कहकर प्लास्टिक के बोतल और कैरी बैग्स इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। फिर धीरे से रघुराम ही प्लास्टिक के बोतल और कैरी बैग्स अपनी किराना दुकान में इस्तेमाल करके बेचने लगता है। तब लोग उसे देखकर ये क्या रघुराम, तुमने ही तो सारा गांव वालों को याद दिलाया था कि प्लास्टिक को इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, और अब तुम ही प्लास्टिक के बॉटल्स को बेच रहे हो और प्लास्टिक के कैरी बैग्स में भी सामान दे रहे हो। मेरे अकेले बेचने से क्या होगा राजा भैया, बाकी के लोग तो इसे दूर ही है ना। अब चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। रघुराम ऐसे सवाल करने वालों को अच्छे से समझाकर आराम से प्लास्टिक के बोतल और कैरी बैग्स इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब उसी राजा की एक बकरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे पशु चिकित्सालय लेकर जाने पर डॉक्टर ऐसे कहते हैं, तुम्हारी बकरी के अंदर ढेर सारा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक कभी भी नहीं गलता है और ना ही कभी हजम होता है, इसीलिए तुम्हारे बकरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। हमने उसके अंदर से करीब 3 किलो प्लास्टिक निकाला है। उस रघुराम को मैं छोड़ूंगा नहीं। शुक्रिया डॉक्टर जी, मैं आगे से अपने सभी जानवरों को ख्याल रखूंगा। ऐसे कहते हुए राजा वहाँ से अपनी बकरी को लेकर चला जाता है और सीधे रघुराम के पास आता है। मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुम बेवकूफ को ये लगता था कि तुम्हारे अकेले के प्लास्टिक इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। आज मेरी बकरी के अंदर से 3 किलो प्लास्टिक निकला है। तुम शायद अपनी बकरी को घास नहीं डाल रहे हो, इसीलिए वो प्लास्टिक खा रही है। रघुराम की उल्टी सीधी बातें सुनकर राजा ये सोचते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है कि एक ना एक दिन वही अपनी गलती पर अफसोस करेगा, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी होगी। कुछ दिनों बाद गांव में ऐसा ऐलान होता है, बाकी गांव के तरह जबलपुर वालों के लिए भी एक चेतावनी है। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारी गांव में आएंगे, उस वक्त कोई प्लास्टिक के बोतल या कैरी बैग इस्तेमाल करते हुए नजर आए तो उसे बारी से बारी चालान भरना होगा। सुनो सुनो और सुनो। ये बात सुनकर सब प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन रघुराम ये सोचता है कि जैसे उसने प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने को कहकर खुद इस्तेमाल कर रहा है, सरकार भी उसी की तरह सबसे पहले नियम तोड़ेगी। बड़े आए चालान डालने वाले, देखते हैं कौन आता है और कितना चालान डालता है। वातावरण खराब होता है तो मैं क्या करूं? प्लास्टिक बनाने वाले को रोको तुम लोग। ऐसे कहते हुए
रघुराम हर रोज उसकी दुकान से कोई सामान खरीदे या ना खरीदे, वो सब कुछ प्लास्टिक के कवच में डाल रहा था सारा सामान। फिर एक दिन ऐसे ही सरकारी अफसर आते हैं। सुनो भाई साहब, कुछ दिन पहले तुम्हारे गांव में ये अनाउंसमेंट हुआ था ना कि प्लास्टिक के बैग्स के और बॉटल्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस प्लास्टिक बैग्स में ऐसी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे वातावरण को बर्बाद करते हैं, और एक प्लास्टिक बॉटल्स या बैग को गलने में 1000 साल लगते हैं। क्या कह रहे हो, एक साधारण प्प्लास्टिक का बॉटल 1000 साल तक वातावरण को बर्बाद करता है? सच कह रहा हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज नहीं था। साफ अल्फाजों में समझने पर रघुराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और उन अफसरों ने जितना चलान देने को कहा था वो देकर इस बार पूरे मन से say no to plastic वाली बात मानता है, और फिर कभी प्लास्टिक की बॉटल्स और कैरी बैग्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं।